मुट्ठी में चांद, सूरज अगला प्लान। अब सूरज की बारी, इसरो की फुल तैयारी। चांद के बाद अब भारत का मिशन सूरज। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसरो ने तमाम अंदेशों को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। इसका जिक्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी साइंसदानों को मुबारक देते हुए किया। सूरज की स्टडी करने वाला स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 भी जल्द मिशन पर होगा। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो का आदित्य L1 मिशन इंडियन स्पेस एजेंसी का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है। ये अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। ये मिशन कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। आदित्य L1 मिशन सूरज की ताकत का पता लगाएगा। जमीन और सूरज के बीच की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज की रेंज को जमीन तक पहुंचाने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह L1 ऑर्बिट या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट को खला का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इसरो का ये मिशन अब तक का सबसे अहम मिशन होगा। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का असर नहीं पड़ता, इसलिए यहां से सूरज हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 LMVM3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और अंडे की शक्ल में ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। इसरो ने जो आगे बढ़ा है, जो काबिलियत और कैपेबिलिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं, वो इंडिस्प्यूटेबल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, मैं मानता हूं। सूरज को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पैलॉट्स लगाए गए हैं। VELC, सूट, ASPEX, PAPA, सोलेक्स, हेल्टन S, मैग्नेटोमीटर। सूरज की निगरानी के लिए भेजे जा रहे सभी पैलॉट्स का टेस्ट पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। यानी चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो एक और फतेह की तैयारी में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।